बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मशहूर न्यूज़ के साथ मैं हूं फिजा कमल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेरे सदारत इजलास। इजलास में वजीर आला को मुतालिका हुकाम की जानिब से सरकारी महकमों के मौजूदा कवानीन एक्ट और बिलों के हवाले से ब्रीफिंग दी गयी। सियासी चोरों को कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नहले पर दहला है। वफाकी वजीर इंसदाद मुनशियात आजम खान सवाती का दौरा क्वेटा के दौरान डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी, बीएपी के सेनेटर्स अहमद खान और गौदा बाबर के हमरा क्वेटा प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तालीम के मियार पर किसी किस्म के समझौते की जरूरत नहीं, बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। कच्ची का वाकया सोची समझी साजिश है। मुखालिफिन चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाकर इमरान खान से एनआरओ लें। सूबाई वजीर तालीम सरदार यार मोहम्मद रिंद का गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल लोनी रोड से पी के अचानक मुआयने के मौके पर असातिज़ा पर चुस्त गुफ्तगू। क्वेटा में शहदाए करबला के चेहलम का जुलूस आज बरामद होगा। जुलूस का सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। पुलिस के 3000 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे, जबकि फ्रंटियर कोर और लेवी एहलकार भी सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। जमीत उलमा इस्लाम के मरकजी तर्जुमान हाफिज हुसैन अहमद की अपनी रिहाइश गाह जामिया मतलाउल उलूम में मीडिया और मुख्तलिफ हुकूमत से गुफ्तगू। सूबे के जजायर और साहिल के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस दरअसल कराची और गवादर पोर्ट समेत बलूचिस्तान के दीगर साहिली इलाके उमाड़ा पस्ती और जीवनी को बहरिया का फौजी दिफाई बेस बनाना चाहते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हाफिज अब्दुल बासित ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से दी गई ब्रीफिंग के दौरान बयान, मौजूदा साल 2020 पुलिस कंप्यूटराइजेशन का साल करार दिया गया है। सेक्रेटरी खेल मीर इमरान किचकी ने स्क्वाश कैंप का इफ्तिताह कर दिया। कैंप में एक माह तक नौजवानों की ट्रेनिंग की जाएगी, जिससे नौजवानों का टैलेंट सामने आएगा। बलूचिस्तान जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद रिंद की सदर अंजुमन ताजरान रहीम आगा से मुलाकात। 13वां ऑल बलूचिस्तान यूथ होप जूडो चैंपियनशिप के लिए मधु किया गया। बलूचिस्तान वुशू एसोसिएशन के जेरे एहतमाम ऑल बलूचिस्तान वुशू चैंपियनशिप का इनेकार किया गया। आइए मजीद जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सैयद शाहज़ेब शाह की इस खसूसी रिपोर्ट में। बलूचिस्तान वशु एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम महकमा खेल बलूचिस्तान के तआवुन से 23वां ऑल बलूचिस्तान वशु चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया। तकरीब में बलूचिस्तान भर के 500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब का मकसद बलूचिस्तान के नौजवानों में छुपे हुए टैलेंट को सामने लाना था। मेरा नाम इसहाक अली है और मैं प्रेसिडेंट हूँ बलूचिस्तान वशु एसोसिएशन का। ये चैम्पियनशिप जो आपके सामने मुनक़िद हुई है, ये ज़ेर एहतमाम बलूचिस्तान वशु एसोसिएशन और महकमा खेल के तआवुन से मुनक़िद हुई है। इसमें बलूचिस्तान के तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कल अब्दुल्ला, जोब, लोरलाई, पिशीन, हरनाई, मस्तूंग, नौशकी, चागी, लसबेला और नसीराबाद। और को इंशाल्लाह ये जो अप्रैल 2021 के अप्रैल में जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ पर वुशु के मुनक़िद होंगे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका है जो उसके लिए खिलाड़ी जो है अपने आप को बना है। ये चैम्पियनशिप, इस चैम्पियनशिप से हमें बहुत से टैलेंट मिलेंगे इंशाल्लाह। और ऐसे भी बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान वुशु का गर्व है, वो यहाँ पर वुशु के खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। मेरा नाम शेर मोहम्मद तरीन है, मैं बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज ये वुशु फंक्शन में मैं आया हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन है। पूरे बलूचिस्तान से इसमें 500 खिलाड़ियों ने शिरकत की है। ये हमारे वो बलूचिस्तान के लिए इसलिए भी फ़ायदा है, ये गेम जो है अभी नेशनल गेम इंशाल्लाह हमारे सिर पे, इसमें अच्छे लड़के निकलेंगे नेशनल गेम के लिए, तो इंशाल्लाह ताला इसमें अच्छी टीम बनेगी। और ये फर्स्ट टाइम है जो बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बलूचिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन एक पेज पे, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा नेशनल गेम होएगा। और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारा मिनिस्टर भी स्पोर्ट्समैन है, सेक्रेटरी साहब भी स्पोर्ट्समैन है और डीजी साहब भी स्पोर्ट्समैन है। नेशनल वुशु कोच मास्टर अजीब पाइंदा आपसे मुखातिब हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर 23वां ऑल बलूचिस्तान जारी है, तो यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़ायद प्लेयरों ने हिस्सा लिया है। माशाल्लाह अभी फाइनल फाइटें और सेमी फाइनल फाइटें जारी है, तो अगर इसी तरह बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलती रही इंशाल्लाह बहुत आगे इंशाल्लाह जाएंगे
वर्ल्ड लेवल तक इन्होंने मेडल हासिल करना है। वर्ल्ड मेडल तक इंशाल्लाह मेडल लाएंगे बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो सिर्फ सपोर्ट की। गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, इंशाल्लाह इनको इंटरनेशनल मेडल देंगे। सबसे पहले मैं मशरक टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आके हमारे जो इवेंट से इसको आप कवरेज दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फैजुल्ला खान काकड़ है, मैं बलूचिस्तान वशो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज बलूचिस्तान टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम ये कोई 400 खिलाड़ी बन रहे हैं ना, बहुत खुश है। और जो तमाशाई है उसे बड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं ना। तो मैं अपने जो शागिर्दों को या अपने जो इसको ये मैं मशवरा देता हूँ कि आप लोग जो है स्पोर्ट के साथ रिलेटेड रहें। जब जो प्रोमो स्पोर्ट्स करते हैं तो वहाँ के जो अस्पताल होते हैं वो बिल्कुल वीरान होते हैं ना। इस तरह की आप अपना वालदैन का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर एक रूहानी बाप होते हैं ना। जो बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं वो कामयाब होते हैं, जो बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते वो कामयाब नहीं होते। मेरा यही एक पैगाम है शागिर्दों के लिए कि टीचर को आप रिस्पेक्ट दे दें, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू। खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट में उन्हें हिस्सा लेके बहुत खुशी महसूस हो रही है, ऐसे टूर्नामेंट का इनेकाद मुस्तकबिल में भी होना चाहिए। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, मैं भी यहाँ फाइनल हिस्सा ले रहा हूँ। तो उशो एसोसिएशन के बहुत थैंक्स टू उशो फेडरेशन। और दूसरी बात, जो टीचर्स है, हमारे टीचर सबके एक मेंटोर होता है, हमारे मेंटोर टीचर्स है। टीचर आई एम प्राउड टू हैव ऑल आवर टीचर। हुकूमत बलूचिस्तान की ख्वाहिश है कि अप्रैल में नेशनल वशु चैम्पियनशिप का इनेकाद बलूचिस्तान में हो, जिससे खिलाड़ियों का टैलेंट मजीद निखर कर सामने आए। कैमरा मैन तौकीर मीरानी के साथ सैयद शाहजेब शाह, मशिक HD, क्वेटा। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashik.com.vk।